जगदलपुर से, जहां बस्तर में होने वाले दो उपचुनावों में से एक विधानसभा दंतेवाड़ा की तारीख तय हो चुकी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई। तो वहीं दूसरे विधानसभा चित्रकूट में होने वाले उपचुनाव को लेकर समय सीमा तय नहीं की गई है। दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के लिए लगातार मंथन किया जा रहा है और इन सभी जद्दोजहद के बीच बस्तर सांसद दीपक बैज अब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने सांसद दीपक बैज पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जाहिर की है। चित्रकूट विधानसभा में कांग्रेस से कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें बलराम मौर्य, राजमन बैंजाम, रुक्मणी कर्मा आदि प्रमुख हैं। वहीं बस्तर सांसद की पत्नी पूनम बैज के नाम पर भी चर्चा तेज होने लगी है। ऐसे में कभी बस्तर की राजनीति में सक्रिय भाजपा के कश्यप परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाते रहने वाले दीपक बैज को स्थानीय विपक्षी नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है। इसलिए कांग्रेस की स्थिति अभी बहुत विकट है, विकट है, और हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि हम एक प्रत्याशी अच्छे ढंग से अपनी चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें, ये हमारे लिए अच्छा अवसर है। हमने किसी जनप्रतिनिधि को अगर चुनता है, यही उम्मीद से चुनता है, क्षेत्र का काम होगा, विकास होगा, जनता की समस्या सुनेंगे, लेकिन ऐसा स्थिति पिछले कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ इन्होंने लूट खसोट के सिवाय कुछ नहीं किया।